90 के दशक की ओए ओए गर्ल सोनम उर्फ बख्त तावर खान ने फिल्म प्रोड्यूसर राजीव राय से शादी कर ली थी और उन्होंने अचानक ही बॉलीवुड फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। सोनम भारत छोड़कर विदेश में बस गई थी, लेकिन अब वो फिर से इंडिया में रह रही हैं। सोनम ने राजीव राय से अपनी 25 साल पुरानी शादी खत्म कर ली है और उन्होंने 44 साल की उम्र में पुडुचेरी के डॉक्टर मुरली पोडुवल से दूसरी शादी कर ली। 14 अप्रैल को जोड़ी ने ऊटी में शादी की। सोनम के मुताबिक पुडुचेरी में उनकी मुलाकात मुरली से हुई थी। सोनम पिछले 15 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। पहले पति से तलाक लेने में मुरली ने उनकी काफी मदद की थी। पहले से तलाकशुदा मुरली से उनका प्यार पनपा और दोनों ने शादी कर ली। सोनम की पहली शादी फिल्म मेकर राजीव राय से 21 जनवरी 1991 को हुई थी। करीब 25 साल साथ रहने के बाद जोड़ी का तलाक अगस्त 2016 में हुआ था। हिंदी सिनेमा में सोनम का करियर 1988 की फिल्म विजय से शुरू हुआ था, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में सोनम के हीरो ऋषि कपूर थे। सोनम ने 1994 तक लगभग 30 फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने गोविंदा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। सोनम को ज्यादातर उनके हॉट और ग्लैमरस किरदारों के लिए जाना गया। सोनम ने त्रिदेव, विश्वात्मा, आखिरी अदालत, मिट्टी और सोना जैसी फिल्में यादगार रही। सोनम की गिनती 90 सकी बोर्ड एक ट्रेस में होती है। 1988 में आई विजय में उन्होंने बिकिनी सीन्स दिए थे। सोनम पिछले 26 सालों से वे गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। राजीव से शादी करने के बाद सोनम ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। राजीव ने गुप्त 1994 जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई। लगभग इसी वक्त राजीव अंडरवर्ल्ड के टारगेट में आए। उनके ही ऑफिस के सामने उन पर अटैक हुआ था। ऐसा होने पर जोड़ी ने इंडिया छोड़ विदेश में सेटल होने का फैसला लिया था। ये पहले लॉस एंजलिस, फिर स्विट्जरलैंड और फिर कुछ सालों पहले मुंबई लौटे। हालांकि 2001 से वे अलग रह रहे थे। सोनम के मुताबिक 15 साल पहले ही वो राजीव राय से तलाक ले लेती, लेकिन बेटे गौरव की खातिर उन्होंने शादी को बरकरार रखा। सोनम फिलहाल ऊटी में रहती हैं। ऊटी में ही उन्होंने शादी रचाई। सोनम के मुताबिक डॉक्टर मुरली के साथ शादी से उनके बेटे गौरव को कोई एतराज नहीं है।